नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने, वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर न आए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं ये समझता हूँ कि यूएई में इंडियन कम्युनिटी की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ये इवेंट है। तकरीबन 60,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई, लेकिन बारिश और मौसम की खराबी की वजह से ये थोड़ा सा स्केल डाउन करना पड़ा इस इवेंट को, लोगों की तादाद थोड़ी कम हुई। लेकिन अबू धाबी के अंदर अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना, जिसके ओपनिंग के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया है। बहुत अच्छा उन्होंने इवेंट किया, अच्छा है उनको वहाँ, उन्होंने अच्छा किया। यहाँ नहीं बना, इस्लामिक रिपब्लिकन पाकिस्तान, यहाँ इजाजत नहीं होना चाहिए। कहा कि नहीं बनना चाहिए, इस्लामी रियासत है, उसमें इस्लाम के कानून होने चाहिए। तो इंडिया के अंदर वो हिंदू रियासत है, वहाँ पर फिर भी हमारी मस्जिदें बन रही हैं। हमारे ये किस तरह का माइंडसेट है कि हम अपने तो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर मस्जिद बने, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर या मस्जिद या चर्च ना बने। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आज 14 फरवरी है, सबसे पहले तो हमारे शहीद हुए जवानों के लिए RIP कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दे। देखिए भाई, भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब गए हुए हैं यूएई, एक मंदिर है हिंदू मंदिर स्वामी नारायण जी का, तो वहां पर उनका इनोग्रेशन करने गए हुए हैं। और तो कल भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भारतीय आवाम को है जो संबोधित किया, और उसमें बोला कि भाई जहां पर यूएई ने बोल दिया था, जहां पर आप उंगली रखोगे लकीर खींच दो वहां पर मंदिर बन जाएगा। ये है भाई एक प्रधानमंत्री की पावर। पाकिस्तानियों की हालत देखिए, रो रो का बुरा हाल। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में वीडियो शुरू करते हैं। इस जायद स्टेडियम से भी भारतीयों के पसीने की खुशबू आती है। वाह मोदी जी, मुझे खुशी है कि हमारे अमीरात के साथियों ने भारतीयों को अपने दिल में जगह दी है, अपने सुख दुख का साझेदार बनाया है। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। वाह। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। जय हो। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। पहली बात तो मैं यही करूंगी कि मोदी साहब का बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में, बहुत बड़ी एक्टिविटी है, क्योंकि हमें बहुत जरूरत है मोदी साहब की दुबई को, खास तौर पे तो आए मोदी साहब माए उनका वेलकम किया जाए, क्योंकि फलस्तीन आज़ाद हो चुके हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी शहादतें नहीं हो रही और बच्चे बहुत खुश हैं, स्कूल रोज जा रहे हैं, तो जरूरत ही नहीं है आपको दूसरी एक्टिविटीज पे। ये एक्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने 65,000 लोगों का किया हुआ है, इंतजाम किया हुआ है, और यही आपको फलस्तीनियों का कह रहे हैं तो आप लोगों को मौत पड़ जाती है, आप लोगों को कंट्रोल जो किया होता है, आप लोग सॉरी टू से बट पपी बने हुए हैं। तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, इंडिया को देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कोई हाल, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, हम यहीं पे बनते हैं, पाकिस्तान बाहर जाते हैं हमारी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें ख़राब की हैं, मगर नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने, वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए, मगर हमने तो यही अपने बचपन से अभी तक यही सुना कि क़यामत के सहर तक हमारे मुल्क को रहना, मगर इंडिया क्योंकि तरक्की कर रहा है तो अब वो ताल्लुका यूएई में भी कर रहा है, दुबई में भी, सऊदी अरेबिया भी पहुंचे होते हैं आए दिन, और कह रहे हैं कि इसके बाद वो कतर का दौरा करने भी जाएंगे। तो आई थिंक जो है ना, नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही इंडिया की मुसलमान ममालिक के साथ नहीं बनी। एक तो इंडिया सपोर्ट करता है इसराइल की, इसराइल वो स्टेट नहीं है, वो टेररिस्ट है, और वो लोग आए दिन इंडिया, ट्विटर आप खोलें, इंडिया और जो है इसराइल की फ्रेंडशिप गोल सेट हुए होते हैं, इंडिया सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, इसराइल शुक्रिया कर रहा है इंडिया का, और ये हमारे दुश्मन है, इंडिया भी हमारा दुश्मन है और इसराइल भी दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? कि मेरी बात सुने आफरीन, इंडिया के साथ दुश्मनी तो हमने खुद साख्ता पाली हुई है ना कश्मीर के नाम पर, लेकिन आप मुझे बताएं कि 70 सालों में हमने कश्मीर के लिए क्या किया? हमने सिर्फ नारेबाजी करने के कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान 5 फरवरी को एक प्रोटेस्ट करने के, हमने आज तक आफरीन कश्मीर के लिए कुछ किया है तो बताएं आप मुझे।
इंडिया कश्मीर को अपनी टेरिटरी बताता है और इंडिया उसके ऊपर काबिज है। पूरी दुनिया देख रही है किस तरह इंडिया जो है कश्मीर को ऑन करता है और कश्मीरी भी अब इंडिया के साथ ही रहने पर खुश हैं। तो देखिए, हमने ये दुश्मनी खुद साख्ता इंडिया के साथ पाली है, कश्मीर के अलावा हमारा इंडिया के साथ और कोई मसला नहीं है। लेकिन आज आप अपने मुंह से एक पाकिस्तानी होकर कह रही हैं यहाँ पर पाकिस्तान में खड़े होकर कि इंडिया आने वाले कुछ दिनों में सुपर पावर बनने वाला है, जितनी डेवलपमेंट उसमें हो गई है। तो जाहिर है यूएई भी अपना फायदा देख रहा है, कतर भी अपना फायदा देख रहा है, सऊदी अरेबिया भी अपना फायदा देख रहा है। अगर कोई अपना फायदा नहीं देख रहा तो पाकिस्तान है। देखिए, मैंने इस वजह से कहा कि इंडिया हमारा दुश्मन, कश्मीर का एक बिल्कुल एक अलग मौजू है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगी। इसराइल और इंडिया का मैंने इसलिए कहा ये दुश्मन है कि ये फलस्तीनी हमारे बहन और भाई हैं, अगर वो उन पे जुल्म करें तो हमारे दुश्मन हुए। दुनियावी मफाद के लिए आप लोग बच्चों की आंखें ले रहे हैं। देखिए, सवाल आपसे भी होगा, हमसे भी होगा, हमारी कैपेसिटी है बाइकआउट करना। आप लोग उन बंदों को जो इसराइल के सपोर्टर्स हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं और उनका आली शान वो फलस्तीन उधर भूखे मार रहे हैं, वो लोग हाथ में उन्होंने बर्तन पकड़ा होता है, वो जो खाने वाला है उसको चाट रहे हैं वो लोग, उनके पास कुछ भी नहीं है। ये देखे ना कि गजा के लोगों को जो है इंडिया ने इमदाद भी भिजवाई थी, यहाँ तक कि गजा के लोगों ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं गया आफरीन उनको। इंडिया बहुत चलाक है और वो मौका नहीं छोड़ता, वो दोनों तरफ से राजी रखता है दोनों पार्टीज को। अब जो उन्होंने भेजी है इमदाद, इसका ये मतलब नहीं कि हम सल्यूट मारे इंडिया को, उसका भी उसका कोई मकसद होगा। क्योंकि मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि इंडिया ना किसी को पानी भी नहीं दे सकता बगैर मुफाद के। क्या मुफाद होगा तुर्की में, जब आपको पता है अर्थक्विक आया था, सबसे पहले इंडियन आर्मी वहां पर पहुंची थी, तो तुर्की से क्या मुफाद थे इंडिया को? तुर्की अभी आपने कहा कतर में भी है, यूएई में भी है, सऊदीया भी जा रहे हैं ये लोग। तो ये मैंने बताया ना मुफाद, जो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम मुमालिक के साथ अच्छे रابطे हों, पूरी दुनिया के साथ हों और हम जो है सुपर पावर बन के निकल। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई, पाकिस्तानी मोहतरमा ने बोला है कि फिलिस्तीन की क्या हालत है। बाकी देखिए भाई, फिलिस्तीन को तो छोड़िए, आपके पाकिस्तान की क्या हालत है, आपके मुल्क की क्या हालत है भाई। इलेक्शन की बात करें तो वहां पर जो भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं वो बनने जा रहे हैं शहबाज शरीफ दोबारा, क्योंकि जो बिलावल भुट्टो की पार्टी थी उसने बोल दिया था भाई हम नवाज शरीफ के साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, अगर प्रधानमंत्री बनाना है या हम आपके गठबंधन में साथ देंगे तो आपको शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। और अभी बात बन गया शहबाज शरीफ की, यानी कि जिस देश में भाई आर्मी, जिस देश की आज तक कोई युद्ध ना जीती हो और कोई इलेक्शन ना हारी हो, उस देश के बंदे बात कर रहे हैं फिलिस्तीन के बारे में, उस देश के बंदे बात कर रहे हैं किसी को, यानी कि जो है, मैं क्या बोलूं इसको, बात को आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि यूएई है भाई। आज के समय में यूएई की बात करें तो भाई बिजनेस सबसे बड़ी चीज है, यूएई को फायदा किस चीज से हो रहा है। और रही भाई बात भाई फिलिस्तीन की, जो भारत की बात करें ना पाकिस्तानी, यूएई ने भाई जब जंग छिड़ी छिड़ी थी इजराइल की और फिलिस्तीन की, गाजा जो बॉर्डर है पट्टी है वहां पर, यूएई ने पाकिस्तान को स्किप कर दिया था, यानी कि पाकिस्तान से बात तक नहीं की थी। वही पाकिस्तान के लोग आज हैं यूएई के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि ये वही पाकिस्तानी लोग हैं जो भाई आज तक यूएई की इमदाद से चल रहे हैं, यूएई की इमदाद से पैसे खा रहे हैं और उसी यूएई को ये गाली दे रहे हैं। देखिए भारत का जो इमेज है वो भाई, अभी देखिए मोदी साहब यूएई में है, उसके बाद कतर जाएंगे और कतर ने हाल ही में बात काट ने भी एक्स ऑफिसर को छोड़ा है। ये भाई कतर वो देश है जिसने फांसी की सजा दे दी थी, अगर मोदी साहब, भारतीय गवर्नमेंट इतना